अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। आज मैं आप लोगों से अपनी जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है शीश कबाब। मैंने इसके लिए 1 किलो लैम्ब का कीमा लिया है, ये फैट वाला है और क्योंकि फैट वाले कीमे से ही कबाब अच्छे बनते हैं। और मैंने मोटा सा ये मैंने प्याज काट लिया है, ये तकरीबन 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने काट लिया है। हरी मिर्च ली है मैंने और साथ में मैंने अदरक लिया है, लहसुन लिया है, सूखा धनिया, जीरा मैंने पीस इसको मैंने जिस तरह कुंडी में थोड़ा सा मैंने बारीक कर लिया है, गरम मसाला है, रेड चिली पाउडर है, हल्दी पाउडर है, सॉल्ट है और लेमन जूस है। बहुत इजी सी रेसिपी है, कोई बहुत इस पे टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। इसमें हरा धनिया भी डलेगा और हरा धनिया जो है वो हम लोग जब मैं एंड पे मसाला भूनूंगी, जब इसके अंदर मसाले डालूंगी सारे, तो फिर मैं इंशाल्लाह इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैं ये करूंगी कि मैंने जितने भी ये खड़े प्याज है, लहसुन अदरक और हरी मिर्च है, इसको मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेती हूँ और फिर इसको मैं कीमे में ऐड करूंगी। ये मसाले सबसे पहले ग्राइंड किए जाएंगे, इसको बहुत मैं भी ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ कि इसको कितना ग्राइंड करना है। तो ये आप देखें, कर मैंने कर लिया है प्याज चॉप कर लिया है, प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च ये मैंने चॉप कर ली है और ये अब इस तरह का चॉप होना चाहिए, ये आप देख रहे हैं। इसको हम लोग इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसके अंदर मैं डालूंगी हल्दी, रेड चिली पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, जीरा और सूखा धनिया क्रश किया हुआ, सॉल्ट आपको जितना चाहिए अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं, और लेमन जूस। इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें। जी फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने अच्छी तरह से कीमा जो है वो मिक्स कर लिया है हाथों की मदद से। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, तकरीबन 7-8 मिनट तक आप इसको मिक्स करें, तभी इसको अच्छी तरह ये मिक्स होगा। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया वो मैं इसके अंदर डालूंगी और अब इसको हम मिक्स करके तकरीबन हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो हमारे बहुत मज़े के शीश कबाब में हम लोग फिर इसको बारबेक्यू करेंगे, आप लोग देखिएगा। अब हम इसको तो ये मिक्स हो चुका है, इसको मैं 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी और उसके बाद हम बारबेक्यू करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे जो हम लोगों ने कीमा मसाला लगाया था शीश कबाब का, वो रेडी हो चुका है, 2 घंटे हो चुके थे, हमने इसको सीखों के ऊपर लगा लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत ये देखें अच्छे तरीके से इसको लगा लिया, अब हम इसको बारबेक्यू करेंगे। बहुत मज़े के बहुत लजीज शीश कबाब तैयार होंगे लैम के। देखिए फ्रेंड्स, कबाब जो है हमारे वो बारबेक्यू के लिए आ चुके हैं, अब वो देखें ये रेडी हो रहे हैं। अब भी थोड़ी देर में जैसे ही रेडी होते हैं मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो हमारे बहुत मज़ेदार किस्म के शीश कबाब बारबेक्यू रेडी हो चुके हैं, बहुत मज़ेदार। इसके साथ मैंने सैलेड भी रखा है, धनिया पुदीने की चटनी भी है और आई विश कि आप लोग भी ट्राई करते, बहुत मज़ेदार बने हैं, बहुत टेस्टी हैं और काफ़ी गर्म भी है अभी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जाने से पहले वही एक बात, अपना और अपने इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे। तो आज आप लोगों के साथ जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन
बारबेक्यू, और मैं उसका मसाला लगाने लगी हूँ। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि क्या चाहिए है। मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है, पिसा हुआ गरम मसाला है, हल्दी पाउडर है, साथ में मैंने जो पाउडर फॉर्म में जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है, अदरक और लहसुन जो है वो मैंने पाउडर फॉर्म में लिया हुआ है, रेड चिली पाउडर है, योगर्ट है, फूड कलर है, सॉल्ट है एंड लेमन जूस है, और साथ में थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल भी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले ये करते हैं कि हम एक बॉल में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने चिकन जो है इसमें ऐड कर लेते हैं तो चिकन हमने इसमें ऐड कर लिया है। ये बहुत जल्दी मसाला जो है वो लग जाता है, इस पर कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। तो अब इसके अंदर तकरीबन मैं 2 जो चम्मच है वो मैं योगर्ट के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर अब मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं पिसा हुआ गरम मसाला भर के 1 चम्मच वो डाला है मैंने। इसके अंदर लहसुन का पाउडर डाला है, अदरक पाउडर इसके अंदर डाला है, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो और भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर, ये आपके डिपेंड करता है कि आपको कितना पसंद है। अब इसके अंदर हम लोग सॉल्ट ऐड करेंगे, ये सब चीज़ें आपने अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ऐड करनी है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी फूड कलर, रेड फूड कलर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल के मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। बहुत इजी झटपट सी रेसिपी है ये, आप ट्राई करें इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और इसके अंदर अब मैं डालूँगी लेमन जूस, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने लेमन जूस इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने ये जितने भी मसाले हैं जो हमने इसके अंदर डाले हैं, हम लोग इसको मैरिनेशन करेंगे हाथ के साथ, हाथ आपके धुले हुए होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छी तरीके से हमने मैरिनेशन करना है। बहुत अच्छा हमारा जो है वो चिकन बारबेक्यू को ये मसाला लग रहा है, ये देखें जी माशाल्लाह। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें, अच्छी तरीके से इसको लगा लें जी फ्रेंड्स। तो ये देखें अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। पीसीज मैंने जो है वो छोटे रखे हुए हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, क्योंकि बड़े अच्छे से वो बन जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग इसको तकरीबन कोई एक से इसको कोई 1-2 घंटे के लिए तो डेफिनेटली आप इसको फ्रिज में रखें, तभी इसका टेस्ट सही आएगा। चिकन को मसाला लगे हुए 2-2.5 घंटे हो चुके थे। अब ये देखें ये बारबेक्यू को ये रेडी हो रहा है। जैसे ये रेडी होता है मैं आपको जो है ना इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत मज़े का हमारा चिकन बारबेक्यू रेडी हो रहा है जी फ्रेंड्स। तो हमारा बहुत मज़ेदार किस्म का चिकन बारबेक्यू तैयार हो चुका है, बहुत मज़ेदार, बहुत जूसी बना है, बहुत अच्छा बना है। इंशाल्लाह आप जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले वही एक बात कि अपना अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का सबका बहुत ख्याल रखिएगा। आपके इर्द गिर्द कुछ लोग रहते हैं जो हकदार हैं, उनका ख्याल रखें क्योंकि हमारे माल में उनका भी हिस्सा है। तो इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह वेरी सून लंदन वाली फैमिली आपसे दोबारा मिलेगी एक नई रेसिपी के साथ या नए ब्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।